हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जेसिका गुप्ता और आपने पिछले ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से हमने वैक्सीनेशन लिया, हमारे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद हम वापस गए, हमने चाट पकौड़ी भी खाई रास्ते में रुककर। आपको मेरी चाट पकौड़ी तो बिल्कुल याद होगी किस तरह से मैंने फिनिश करी थी। उसके बाद अब आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मेरा ऑफिस कैसा है, लुक वाइज कैसा है, वहाँ पर काम किस तरह से होता है। तो आप मेरे इस ब्लॉग में अंत तक बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। और ये जो पार्ट है ये शुरुआत का पार्ट है, जब मैं ऑफिस में आई थी वैक्सीनेशन के पहले का है, जब मैंने एंट्री की थी ऑफिस में। मैं आपको आपके चीजों का कैबिन दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे नहीं थे, पीछे से आए थे और कैबिन में नहीं बैठे हुए थे, सभी पीछे से आए थे और वो सरप्राइज हो गए थे मुझे देख कर। ऑफिस में बहुत ही शांति थी, बहुत ही सन्नाटा था और हम आए थे उसके बाद और बातचीत जारी थी। उसके बाद मैं अपने मेन ऑफिस से निकल के बगल वाली ऑफिस में गई। ये भी हमारी ही ऑफिस है, यहाँ के जो कुछ स्टाफ मेंबर्स है उनसे मिलने के लिए मैं गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आज ऑफिस गई थी तो मुझे सबसे मिलना था। हाय हाय, ऑनलाइन चल रहा है क्या? हाँ। लाइव है? नहीं नहीं लाइव है। कैसी है? मुझे खबर भी नहीं थी आप आने वाले हैं। बस मैं अभी आई हूँ, सबसे पहले सबसे मिल लूँ और ऑफिस का लुक आपको अभी दिखाऊंगी। मैं पहले सब लोगों से मिलना चाहती थी। व्यस्त? अरे व्यस्त तुम्हें और सबसे मिलकर फिर मैं और आपकी चीजू चले गए थे वैक्सीनेशन के लिए। और वैक्सीनेशन के बाद जब हम रिटर्न आए उसके बाद मैंने ऑफिस का व्लॉग शूट किया है। और वैक्सीनेशन के बाद फिर हम लोग रिटर्न आ गए थे ऑफिस, क्योंकि आपके चीजू का एक ट्रेनिंग था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा ऑफिस का लुक। और अब हम ऑफिस में जा रहे हैं, वैक्सीनेशन लेकर आ गए हम। ऑफिस में छुट्टी हो चुकी है, सब अपने घर चले गए। मैं अच्छे से आपको अपना ऑफिस दिखा देती हूँ। ये कॉन्फ्रेंस रूम है और यहाँ पर एक कैबिन है और एक कैबिन उस तरफ भी है। और यहाँ से निकल कर यहाँ पर भी ये सबसे पहला मंदिर है हमारा, छोटा सा मंदिर एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स। यहाँ पर काफ़ी काम होता है, यहाँ पे लड़कियाँ बैठती है बट अभी नहीं है। और ये है आपके ये जो का ऑफिस, आई मीन टू से कैबिन, यहाँ पर वो बैठते हैं काम करते हैं। और ये उनका पीसी। एक और ऑफिस है जो बगल में है और यहाँ से निकल कर यहाँ पर ये सबसे पहला मंदिर है हमारा, छोटा सा मंदिर एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स। यहाँ पर काफ़ी काम होता है, यहाँ पे लड़कियाँ बैठती है बट अभी नहीं है। और ये है आपके ये जो का ऑफिस, आई मीन टू से कैबिन, यहाँ पर वो बैठते हैं काम करते हैं। और ये उनका पीसी। एक और ऑफिस है जो बगल में है, जो मैंने पहले दिखाया वो मेन ऑफिस था। उसके बगल में ये ट्रेनिंग रूम है जहाँ पर लोग बाहर से लोग आते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग के लिए स्पेशली बनाया गया है ऑफिस। ये देखो यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट है और कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो आई विल शो यू कैसे ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर। मैं पहले अपना जगह पकड़ लेती हूँ फिर आपको उनको दिखा दूँ। उसका कॉपी नहीं रहता है, एक इंक्रिप्टेड टोकन। कोई भी डॉक्यूमेंट है अभी
गवर्नमेंट का उसको कोई स्टार्टिंग नहीं होता, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो ये क्या आपका नाम आ जाएगा और टोकन मतलब पेनड्राइव रहता है, पेनड्राइव डाल के और उसको क्या करना होता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो ये डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी साइनिंग और स्टार्टिंग नहीं करता, फिजिकल साइनिंग और स्टार्टिंग नहीं करता। तो कोई भी PDF के डॉक्यूमेंट पे किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप क्या कर सकते हो, डिजिटली साइन। ठीक है, LLP क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स, पार्टनरशिप को हमने बताया था, व्हाट इज पार्टनरशिप, दो या टू या मोर देन टू पार्टनर्स है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बहुत ज़्यादा लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि चीजू क्या कहते हैं, तो आई होप आप सबको इसका जवाब इस ब्लॉग में मिल गया होगा कि आपकी चीजू क्या करते हैं। अगर आपने लोन लिया तो लाइबिलिटी कहाँ तक आएगी, जितना इस फर्म में है, ऑर्गेनाइजेशन के फंड में जितना है उतनी आपकी लाइबिलिटी है, यू आर सेपरेट, और लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म जो है वो सेपरेट है, तो इंडिविजुअल एसेट डिफरेंट है। और सो ये जो ट्रेनिंग है वो 4 घंटे की ट्रेनिंग था, 4 घंटे लगातार चलने वाली थी ये ट्रेनिंग। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से निकलकर एक जो बगल वाली ऑफिस जिसका मैंने शूट नहीं किया है वहाँ चली जाओ, तो फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, हम एक और ऑफिस यहाँ का देखने जाएंगे, ये अपना ही ऑफिस है। क्योंकि सैटरडे है, ऑफ हो चुका है, सो अभी इस समय कोई नहीं है। एंड दिस इज़ द सेटिंग अरेंजमेंट्स। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है, सारे ऑफिसेस में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। और ये संध्या है, ये भाग रही है, भागती रहती है उसको नहीं आना ब्लॉग में, भागती रहती है। और यहाँ पे भी 2 सिटिंग अरेंजमेंट्स है, एंड यहाँ पर अरेंजमेंट्स, और ये है मुंबई। यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा, पता नहीं कब तक खत्म होगा, बट चल रहा। आपको कैसा लग रहा है संध्या जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? मुझे क्या लगा, सामने वाले बंदे का प्रोडक्ट है और अपने कंपनी से करके लेने का, वैसे मीट करके ले जाओ ना, बंद कर दो सिंपल काम है, इसको बंद कर दो, अंदर की भी लाइट्स बंद कर दो। एक मेरे हाथ में 8 दिन में, सो टोटल 3 ऑफिसेस है, एक सेंटर में है, एक उस तरफ है और एक यहाँ पर है। ये लिफ्ट है, यहाँ पर लिफ्ट है, एक उस तरफ है ऑफिस, एक के सेंटर में है और एक दिस वन। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है अभी, ये एक 1 मोर ऑफिस है। अभी मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर भी है, और कुछ कंप्यूटर्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर भी है। एंड यहाँ पर है, अब मैं दिखाती हूँ, जो जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक कैबिन यहाँ पर भी है, कैबिन यहाँ पर भी है, दिस वन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। सो अब मैं चुपचाप से जाऊँगी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, चुपचाप शूट कर आ जाऊँगी। ठीक है, कम इस तरह
कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए क्या आप कहाँ से जाएगा, पहले लोकल पुलिस फिर सीबीआई पुलिस के लिए? कब से 45 डेज का ऑन एवरेज टाइम है मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। तो अगर ये सब दे रहे हो तो इसका पार्टिकुलर 6 महीने पे या भी 6 महीने के बाद क्या करना है उनके पीए। अब हम चलते हैं यहाँ से। वेलफेयर, वॉशिंग, एजुकेशन अलाउंस, सो एक ये एक था यहाँ पे छोटा सा गणपति का मूर्ति है, बड़ा मंदिर नहीं है यहाँ पर क्योंकि यहाँ कुछ ही दिन पहले आग लग गई थी मंदिर में। सो ये 3 ऑफिसेस हैं आपकी चीज़ों की एंड दिस वन इज बोर्ड यू कैन सी। कॉलेज है हमारा, कॉलेज का बोर्ड है ये, कॉलेज की ट्रेनिंग चल रही थी। बहुत लोग पूछते थे कि चीज़ों क्या करते हैं। आई होप गई क्या संध्या, मुझे लगा चली गई। क्या ट्रेनिंग और उसके बाद आपकी जीजू का ट्रेनिंग जो है वो अराउंड 6 बजे तक शाम के ख़त्म हो गया था और फिर हम वहाँ से निकल गए। और वैक्सीनेशन का असर हो रहा था, मुझे हल्का फीवर लग रहा था, आपकी जीजू को भी हाथ में पेन था, लेकिन हमें जल्दी से जल्द घर पहुंचना था। रास्ते में हमने नींबू पानी पिया और ये मेट्रो है पुणे का, मेट्रो का जो काम चल रहा है। उसके बाद फिर हम निकल गए वहां से और हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था क्योंकि हमारे पास बाइक थी, हाथ में पेन था। मेरे घर के यहाँ पर सड़क का काम चल रहा है, 4-व्हीलर नहीं जा रही, दैट्स वाई हम स्कूटी से आए थे। सो उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और मुंबई पुणे हाईवे से होते हुए अपने घर पहुँच गए। गोली लेने को मैं फोन करके बताई मुझे गोली ले लेना। हाँ तभी लिए ना, तो काम हो गया, डॉक्टर हो गया। हाँ बहुत बड़ा काम था ये, हाथ है ना उठ नहीं रहा। सो अब आ गए हम घर, वैक्सीनेशन ले लिया, हाथ थोड़ा सा भारी लग रहा है, दर्द हल्का सा है, फीवर अब तक नहीं है, देखते हैं अब आगे फीवर आता है कि नहीं आता है, अब तक तो नहीं है।